मंडी जिला के सरकाघाट उपमंडल के दो युवा खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अपना दमखम दिखाने जा रहे हैं। कुश्ती में सौरभ तो एथलेटिक्स में रामकृष्ण श्रीलंका में जाकर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इन दोनों ने हाल ही में संपन्न नेशनल ओपन में गोल्ड जीतकर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए अपना स्थान पक्का करवाया है। सौरभ गोपालपुर गांव का रहने वाला है और रामकृष्ण अपर बरोट का रहने वाला है। दोनों के सिर से पिता का साया उठ चुका है। दोनों अपने रिश्तेदारों और संस्थाओं के सहयोग से कड़ी मेहनत कर आज इस मुकाम को हासिल करने में कामयाब हुए हैं। 15 मई से इन दोनों खिलाड़ियों की ट्रेनिंग कैंप नेपाल में शुरू होने जा रही है और उसके बाद ये सीधे श्रीलंका जाकर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। ये प्रतियोगिता जुलाई महीने में प्रस्तावित है। दोनों में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता को लेकर भारी उत्साह है। दोनों खिलाड़ियों की इस कामयाबी पर सोच संस्था ने इन्हें सम्मानित भी किया और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। ये सम्मान इन्हें डीएसपी हेडक्वार्टर हितेश लखनपाल के हाथों दिया गया। डीएसपी लखनपाल ने कहा कि मंडी जिला में कुश्ती और अन्य खेलों को बढ़ावा देने की जरूरत है और इसके लिए संस्थाओं को मिलकर आगे आकर काम करना चाहिए। वहीं सोच संस्था के अध्यक्ष राजा सिंह मल्होत्रा ने कहा कि जल्द ही उनकी संस्था कुश्ती प्रतियोगिता को लेकर काम करेगी ताकि उभरते खिलाड़ियों को मंच मिल सके। मैं बधाई देना चाहता हूं सौरभ और रामकृष्ण को। इन्होंने नेशनल लेवल पे कुश्ती और एथलेटिक्स में अपना नाम कमाया है। साथ ही साथ सोच फाउंडेशन के राजा मल्होत्रा भी, जिन्होंने यहां पे आके इनको फेलिसिटेट किया, इनको सम्मानित किया। आज जरूरत है जो भी हमारे स्पोर्ट्स में डिफरेंट इवेंट्स में जो लोग अच्छा कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित करना चाहिए और प्रोत्साहित होने के साथ साथ हमें गेम्स के लिए और भी कुछ सोचना चाहिए। तो हम लोग एक प्लान भी कर रहे हैं कि हम जो छोटे छोटे जो हमारे स्पोर्ट्स है जो लुप्त होते जा रहे हैं उसके लिए भी हम कोई योजना बनाएं और बच्चों को जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको सम्मान दें। हमने ये सोचा कि यहाँ पे जो है टैलेंट की कमी नहीं है। रेसलिंग में भी बहुत सी जगह आप देखेंगे चेंज होता है, बहुत ही क्रेज देखने में मिलता है लड़कों में भी युवाओं में भी। तो हम जल्द ही इस विषय में कुछ नया लेकर हिमाचल में आएंगे, प्रदेश स्तर का एक टूर्नामेंट रेसलिंग का लेके आएंगे और हम कोशिश करेंगे कि यहाँ के जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो आगे जाएं, उनको एक मंच मिले जहां से वो अपने प्रदेश का अपने शहर का नाम रोशन करें। 74 में किलो में मैंने जलंधर में रेसलिंग खेली, गोल्ड उसमें मैंने गोल्ड मेडल जीता। अब आगे कहां जा रहे हैं? आगे हम पहले नेपाल जाएंगे, उसके बाद सर श्रीलंका में खेलेंगे और अब मेरा जैसे इंटरनेशनल के लिए हुआ है जो कि हमारे नेपाल के पोखरा जगह में होंगे और इसके बाद जैसे हम श्रीलंका जाएंगे खेलने।